यही बच्चे का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग कुछ ऐसा ऐप बनाएगा जिस ऐप को कल को तुम लोग डाउनलोड करोगे, हम डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ तो रुकने का नहीं है, अब ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में, फ्लटर में या रिएक्ट जेएस में तुम लोग अब खुद भी आगे बढ़ सकते हो, जो है ना गौतम बुद्ध अप दीपो भव। लोग इंडस्ट्री में चल जाते हैं, उनको लगता है कि दूसरे लोग को सिखाना जरूरत नहीं है, जबकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा नहीं। ये हम लोग को कंसेप्ट बना लेना होगा। तुम लोग भी अपने किसी ना किसी फ्रेंड को सिखाते रहो, सिखाने से क्या होगा, तुम्हारा नॉलेज घट जाएगा और उल्टा बढ़ जाएगा। और इसको कोई भी यूज कर सकता है, इस ऐप को फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी न्यू यूजर अगर आता है तो वो भी इसको यूज कर सकता है। अब एड्रेस में क्या किया कि तुम डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं किए, तुम अगर एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं करोगे, अगर तुम कैप्चर कर रहे हो तो तुम कभी क्लासिफाई नहीं कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितना लोग आया है। तो एनीवन कैन सी द नोटिफिकेशन, यहां पे बहुत सारे नोटिफिकेशन है। और लास्ट जो अभी हमने ऐड किया, लास्ट जो हमने अभी ऐड किया मूवी शो का, हां नोटिफिकेशन यहां पे शो हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये सर जैसे सिमेक्स का मैगजीन पहले आता था, उसी तरह सर ये है कि एक डिजिटल वेब फॉर्म में उसका एज ए न्यूज़पेपर किया जाए, जिसमें सारा इवेंट और प्लेसमेंट्स के डिटेल्स सर ऑनलाइन डायरेक्ट वेब पे हो, एक तरीके से सिमेक्स का एक ऑनलाइन वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एड टीचर व्यू स्टूडेंट्स, सारा चीज का फैसिलिटी इसने दिया है, फुली डायनेमिक ये ऐप रहेगा बच्चे का, बहुत बढ़िया ऐप, बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये लोगों ने, बच्चों ने एप्स बनाया है, आप लोग ये समझो कि इस तरह के ऐप्स, और ये कोई जनरली जब ऐप मेकिंग किसी स्कूल कॉलेज में होता है तो वहां पर ऐसा होता है कि इस तरह के ऐप्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत छोटे ऐप्स होते हैं, जिनको कि ये बच्चे अब एक दो घंटे में बना देंगे, जो मैंने देखा है पहले। और इन्होंने जो ऐप्स बनाए हैं वो ऐप्स फंक्शनल होने चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है, जैसा मैंने इनको टास्क दिया था। मतलब कि उस ऐप का प्रयोग अगर करना चाहें तो वो संभव होगा, ठीक है। तुम लोग सब ऐप यूज करते हो और तुम लोग भी चाहोगे कि सिमेज में तुम लोग अपना अपना ऐप बनाना नहीं चाहोगे, हाँ ढंग का है। और हो सकता है यही बच्चे का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लोग कुछ ऐसा ऐप बनाएगा जिस ऐप को कल को तुम लोग डाउनलोड करोगे, हम डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे, ठीक है ना। लोग बना सकता है, सीख गया है, अब इनको दिमाग में आइडियाज आएंगे, उस आइडिया को इन लोग इम्प्लीमेंट करेगा। इसी चीज को तुमको भी अब सीखना है। इनका वर्कशॉप कंप्लीट होगा, अभी तो इन लोग का एंड्रॉइड ऐप पोर्शन कंप्लीट हुआ है, अभी इन लोग का फ्लटर वाला पोर्शन भी चल रहा है, हाँ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग का शुरू करेंगे, है ना, जो सेकेंड ईयर है उनका शुरू करवा देना, हाँ। और इन लोग के बैच में बहुत सा बच्चा जो कि कसम खाया था कि किसी भी हाल में अटेंडेंस छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ा। तुम लोग को भी ध्यान देना है कि हम जो डिपॉजिट लेंगे वो पूरा का पूरा तुमको वापस कर देंगे, लेकिन तुमको क्लास छोड़ना। अच्छा दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने नॉलेज गेन किया है, शिवम और बाकी स्टूडेंट सब, तुम लोग यहाँ पर रुकने का नहीं है, अब ऐप में, एंड्रॉइड ऐप में, फ्लटर में या रिएक्ट जेएस में तुम लोग अब खुद भी आगे बढ़ सकते हो, जो है ना गौतम बुद्ध अप दीपो भव। मतलब अपना रास्ता इनको, सनी तुमको कोई गुरुजी सिखाए तभी सीखे हो कि तुम आगे आगे बढ़ते जाते हो। एक बार सिखाया, हाँ। गुरु ने सिखाया, इनके गुरु जो है वो भी मेरा खूब सिमेज में पढ़ाने आते थे, हाँ जो इनको सिखाए थे शुरू में वो भी सिमेज में बहुत क्लास लिए हैं। चूंकि अब वो उपलब्ध नहीं है तो उन्होंने बोला कि आपको एक बढ़िया लड़का दे रहे हैं वो एंड्रॉइड में, और एंड्रॉइड अच्छा ये खुद भी फ्लटर नहीं जानते वो, हाँ इनके गुरुजी जो है वो फटर नहीं जानते हैं। देखो एक समय में उसे सीखे और फिर बाद में उनको ये, जब उनसे ट्रेनिंग लिया था ना, इवन जितना मैं उनको पे किया मुझे 10x ज्यादा मैं उनसे अर्न कर लिया। उल्लू रहते हैं, सीमेंट से ही कमा रहे हैं, तो जितना फीस दिए थे उससे ज्यादा तो सीमेंट से ही ले लेंगे। अभी इनको कंटिन्यूसली हम इनको इंगेज करेंगे और ये एक अच्छा काम है, क्योंकि ये बिहार को मजबूत करने का काम आप कर रहे हैं। आप जितना लोग को यहाँ पढ़ाए हैं उसमें से 10% तो वर्दी निकलेगा, है ना, हाँ यही बहुत जरूरी काम है। कई बार लोग इंडस्ट्री में चल जाते हैं, उनको लगता है कि दूसरे लोग को सिखाना जरूरत नहीं है, जबकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इंडिया आगे बढ़ेगा नहीं। ये हम लोग को कंसेप्ट बना लेना होगा। तुम लोग भी अपने किसी ना किसी फ्रेंड को सिखाते रहो, सिखाने से क्या होगा, तुम्हारा नॉलेज घट जाएगा और उल्टा
बढ़ जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज नीरज कुमार झा फ्रॉम बीसीए एटीयू फोर्थ सेमेस्टर बैच 1। सो हमारे यहाँ एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक वर्कशॉप चलाया गया था डायरेक्टर सर के द्वारा, और सनी सर जो है हम लोग को टीच कर रहे थे, हम लोग को सिखा रहे थे कैसे एंड्रॉयड ऐप बनाया जाता है। फर्स्ट फेज में स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ था तो सर ने सिखाया था कि कैसे बेसिक चीज फंक्शनैलिटीज होती हैं एंड्रॉयड ऐप की, कैसे कैसे वर्किंग मैकेनिज्म होता है, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ होती हैं, और बेसिक सारी चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद जब सेकेंड बार सर आए तो इन्होंने बताया कि डायरेक्टर सर ने दिया है कि प्रोजेक्ट बनाना है हम लोग को अपने सीमेज है, सीमेज का एक ऐप बनाना है एज अ प्रोजेक्ट। तो उस समय से मतलब लगभग एक मंथ पहले स्टार्ट हुआ था और अभी एक मंथ होने वाला है और हम लोग जो है फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग को देना है। तो ये सीमेज का ऐप हम लोग को बनाना था, तो हमने जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है, हमारे पास सीमेज का ऐप अब है तो इसको मैंने बनाया। सो ये एक चीज़ है कि ये फुल्ली फंक्शनल है और सारा चीज़ जो है डायनेमिक डेटा आ रहा है डेटाबेस से, यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टैटिक नहीं है, सारी चीज़ें डेटाबेस में सेव हो रही हैं और डेटाबेस से ऑनलाइन जो वो फेच हो रही है। तो ठीक है, बनाते चलो। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग जब भी ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले कोई भी एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग को स्प्लैश स्क्रीन शो होता है। तो सबसे पहले ये स्प्लैश स्क्रीन शो होता है जो ऐप का होता है। ओके, इंट्रोडक्शन उसका लोगो वगैरह जो होता है वो स्प्लैश स्क्रीन की तरह यूज होता है जो कि कुछ सेकेंड्स के लिए शो होता है। उसके बाद जो हमारा मेन ऐप का जो मेन पेज होता है वो आ जाता है या फिर मेन लेआउट जो होता है वो आ जाता है। तो ये हमारे सीमेज ऐप का जो फर्स्ट व्यू है, मेन पेज होम पेज जो है वो है। यहाँ पे सीमेज का कुछ टाइटल वगैरह है और यहाँ पे एक अप्लाई का बटन है। सो ये जो अप्लाई का बटन है ये है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है इस ऐप को ओपन करता है और उसको सीमेज में रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ओके, तो यहाँ पे वो अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेगा और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इस ऐप को फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी न्यू यूज़र अगर आता है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। तो ये यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सामने स्टूडेंट का डेटा एंटर करने का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे ईमेल है, काउंसलिंग है, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे काउंसलर्स हैं। सो उनका नाम जो है यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे कोई भी एक ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे हम लोग को काउंसलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे काउंसलर के बहुत सारे लिस्ट हैं, उसमें से किसी को अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसने आपका काउंसलिंग किया है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपका अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर तुमने जो सिस्टम दिया है इसमें कोई डैश दे सकता है, कोई ईयर आगे रख सकता है, कोई पीछे रख सकता है, तो ये डेटा जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ का आएगा ये एक्सेल में काम नहीं आएगा सॉर्टिंग करने के लिए। हाँ, एक्चुअली में सर यहाँ पे क्या करना, अभी तो ऐसे डाल दिए, कभी भी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से डाला हुआ काम नहीं आता है। हाँ, तो इस पे क्लिक करने पे एक जो कैलेंडर का फॉर्मेट आता है वो इन फ्यूचर इसमें डालने वाले हैं। एकदम डालना होगा जी, ताकि वो फॉर्मेट डेटा जो है उसको सॉर्टिंग वगैरह में, जैसा कि आप बोल रहे हो तुम लोग के, एक चीज तुम लोग और जान लो, यहाँ पर इन लोग के बहस से इस चीज की शुरुआत की जा रही है। फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में तुमको पता चल चुका है ना, तुम बताओ नीरज क्या पता चला है, प्रोजेक्ट कितने लोग बना सकते हैं? सर सिंगल हो सकते हैं और आपने बताया था कि एक हेल्पर की तरह ले सकते हैं। तुम बन सकते हो हेल्पर और तुम दे सकते हो हेल्पर, लेकिन जो हेल्पर जितना भी बन जाओ उससे तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए। वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन बिहार वेयर वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस मॉडल दैट एवरी स्टूडेंट विल हैव हिज और हर मेन प्रोजेक्ट। तुम लोग समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों को जो सेकेंड ईयर वाले हैं तुम लोगों को अपना प्रोजेक्ट अभी से सोचना होगा, और तुम्हारा प्रोजेक्ट कौन बनाएगा, खुद तुमको बनाना होगा। तुम दूसरे के प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हो, दूसरा तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद कर सकता है, तुम चाहो तो चार प्रोजेक्ट में एज ए असिस्टेंट मेंबर वर्क कर सकते हो, लेकिन लीड प्रोजेक्ट तुमको तुम्हारा खुद करना होगा। और हर आदमी के पास उसका जो लीड प्रोजेक्ट होगा उसी के बेसिस पर उसको मार्क्स मिलेंगे। जैसे इसके पीछे का बैच था वो, उसमें से कोई बच्चा बोला कि एक टीम में 10 लोग होने चाहिए, तो जैसे ही वो बोला ना कि 10 होने चाहिए, 10 का जरूरत है क्या टीम में? No. तो 10 बोल करके वो कल्याण करवा दिया। क्या हम 4 को 10 करते?
हम चाय को तो 10 करने वाले थे नहीं, हम क्या किए, हम एक कर दिए कि 10 का मतलब है कि काम नहीं करना है, कोई एक बनाएगा। अच्छा जब चार था तब कितने लोग बनाते थे? बाकी दो सिर्फ अटके रहते हैं कि तुम कर लो, हमको जब बोलोगे हम जहाँ बोलोगे आ जाएंगे, आ जाएंगे, करना कुछ नहीं, आना कुछ नहीं है। इसलिए सबको इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। अब तुम लोगों को क्या लगता है, नियम सही गलत है, कुछ सीखोगे? अच्छा जब चार बना रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही बना रहा है, बाकी तीन तो बना नहीं रहा है, तो बाकी तीन सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसलिए अकेला अकेला बनाना होगा। और प्रोजेक्ट में जब तुम लोग का होगा इस तरह का डेट ऑफ बर्थ का कॉलम रहेगा तो नंबर कट जाएगा। यस सर, ठीक है, इसको मेंशन करेगा, अभी चेंज कर देंगे अच्छा इसको, क्योंकि डेटा जो होता है ना, डेटा को कल को क्वेरी करना होता है, उसमें सॉर्टिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो तुम्हारा ये फॉर्मेट में डेटा में ऐसा काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। वैसे वो डेटाबेस में सर वो फॉर्मेटेड है कि पहले ईयर होना चाहिए फिर मंथ एंड वो तो तुमको जब डेटा कैप्चर करना है तो वहां तो सेम फॉर्मेट में कैप्चर करना होगा विद ऑल काइंड ऑफ वैलिडेशन। यस सर, इंटीग्रिटी वगैरह सब जो वो सारा होता है। तुम समझ लो ना मुरली जो हम बोल रहे हैं। तब आपका डेटा अगर यहां से प्रॉपर नहीं जाएगा तो डेटाबेस में भी तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है ऑब्वियसली। जैसे एड्रेस है, अब एड्रेस में क्या किया कि तुम डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं किए, तुम अगर एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं करोगे, अगर अगर तुम कैप्चर कर रहे हो तो तुम कभी क्लासिफाई नहीं कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितना लोग आया है। मान लो तुम्हारे पास 5,000 लोग का डेटा आया, अब उस पर तुमको देखना है मोतिहारी से कितना लोग आया, और एड्रेस में हाउस नंबर इतना इतना मोतिहारी सब लिखा हुआ है, तो क्लासिफाई हो पाएगा? प्लस मोतिहारी में भी तुमको देखना पड़ेगा कि क्या तुम डिस्ट्रिक्ट का ड्रॉप डाउन दोगे कि डिस्ट्रिक्ट हाथ से स्पेलिंग लिखोगे। अगर तुम स्पेलिंग हाथ से लिखोगे तो तुम्हारे पास 6 स्पेलिंग हो जाएगा मोतिहारी का, नहीं हो जाएगा। आरा का तुम्हारे पास 5 स्पेलिंग हो जाएगा, AARA 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 AARA, नहीं होता है। इसलिए स्पिनर वगैरह, इसलिए ड्रॉप डाउन डाला जाता है। तुम देखते हो सब वेबसाइट में ड्रॉप डाउन रहता है, ऐप में स्पिनर होता है। सो उसके बाद यहां पे जेंडर के लिए यहां पे रेडियो बटन है। रेडियो बटन में होता है कि किसी एक ही को हम लोग सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट, जल्दी बढ़ाओगे। और फिर यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद कोर्स सेलेक्ट करना होता है जिसमें हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ओके देन वापस आएंगे। ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, तुम्हारा डेटाबेस में सेव होने के बाद एक थैंक यू स्क्रीन या सबमिशन स्क्रीन, कन्फर्मेशन स्क्रीन आना चाहिए था, ये ऐप में कंपलसरी है। यस सर, हाँ सर, इसमें से छूट गया। ओके सो यहाँ पे एक इंक्वायरी वाला भी सेक्शन है। जैसे कि कोई न्यू स्टूडेंट आता है उसको सिर्फ इंक्वायरी करना है, जैसे कि हमारे सीमेज की वेबसाइट पे भी हम लोग फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सामने पॉपअप खुलता है, उसमें इंक्वायरी के लिए अटेंडेंस का बनाए हो। हाँ यस सर, उस पर आओ ना। तो यहाँ पे कुछ सेक्शन है जैसे कि होम, नोटिफिकेशन, न्यूज एंड इवेंट और यहाँ पे एडमिन का। तो एडमिन जो है कॉलेज के एडमिन, और एज अ फैकल्टी यहाँ पे जाने के बाद लॉग इन कर सकते हैं और सारी डिटेल को कर सकते हैं। तो एडमिन वाले सेक्शन पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लॉगिन का सेक्शन मिलता है जिसमें हम लोग अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा एज एडमिन या फिर फैकल्टी भी लॉगिन। तुमने एक एडमिन बना दिया है, वही एडमिन इस ऐप के लिए रहेगा या फिर ऐड कर सकते हैं? एडमिन ऐड कर सकते हैं। यस सर, एज अ फैकल्टी और एज एडमिन दोनों। सो यहाँ पे हमारे सामने एडमिन का डैशबोर्ड खुल गया, यहाँ पे एडमिन का नेम और वहाँ पे लॉग आउट का बटन है और फिर नीचे सारी डिटेल जो भी एडमिन को एक्सेसिबिलिटी होगी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की वो सारी यहाँ पे एडेड है। अब ये जो डैशबोर्ड है बहुत सुंदर लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके लिए ताली बजनी चाहिए। थैंक यू सर। सो यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट ऐड करने का, कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो एडमिन जो है उनको डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं। तो उसका यूआई दिखाना। सो ये तो स्टूडेंट आईडी, अभी तो स्टूडेंट आईडी ऐसे है, बाकी इन फ्यूचर क्या होगा या फिर रेंडमली जनरेट होगा जो कि कुछ एक सीक्वेंस वाइज में होगा। ओके बाद उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और उसके सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट जो है ऐड हो जाएगा। कभी भी तुम लोग प्रोजेक्ट बनाओगे ध्यान रखना आईडी अगर तुम लोग ऑटो जनरेट कर रहे हो उसका यूनिक होना बहुत जरूरी है, जरूरी है, इट हैज टू बी यूनिक। दूसरा अगर वो सीक्वेंस में है तो और अच्छा है क्योंकि उससे ऑर्डर समझ में आता है कि कौन पहले का है और कौन बाद का है। उसमें कई बार आईडी जो होती है जैसे उसका फर्स्ट डिजिट जो है वो बताएगा कॉलेज, उसका सेकंड डिजिट जो है बताएगा कोर्स, मतलब इस तरह का उसमें सीक्वेंसिंग होता है। जब आईडी बनाई जाती किसी भी चीज़ में
तो आईडी के पीछे कुछ लॉजिक होता है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये सब चीजों को तुम लोग को प्रोग्रामिंग में अपने यूनिक आईडी में तुमको वो करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. जब आईडी जनरेट होता है, ऑटो जनरेट करना होता है ना, क्योंकि आईडी मैनुअल जनरेशन होना ही नहीं चाहिए कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में. आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑटो जनरेशन, और वो होनी चाहिए यूनिक, और वो फॉलो करनी चाहिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट. हाँ, कि हम इस आईडी से क्या क्या चीज डिनोट कर रहे हैं. जैसे आईडी का वो शुरू का कुछ डिजिट देख के ये समझ में आया, अगला देख के ये समझ में आया, इस तरह का होगा उसमें. तो यहाँ पे सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग जैसे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट जो है ऐड हो जाएगा. और यहाँ स्टूडेंट अगर कोई सेक्शन अगर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे पॉप अप करके वो शो करेगा कि ये हमने ऐड नहीं किया है. यहाँ पे सारी फील्ड जो है मैंडेटरी है. यहाँ पे हम लोग को सेमेस्टर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है. पहले ऊपर कोर्स एंड देन सेमेस्टर, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस. अब जैसे इसने मोबाइल नंबर डाला 1 से लेकर के ज्यादा ही है 0 तक. हां यस सर, अब इंटीग्रिटी यहां पे लगा नहीं है. हां, पहला चीज तो इसमें ये फिगर वैलिडेशन हो जाता है 10 नंबर कि 10 डिजिट का होगा. दूसरा, हम जब करवाते हैं तो क्या करवाते हैं कि हम उसको 6000 करके दे देते हैं और 999999 दे देते हैं कि 10 बार 9 और 6 के बाद 9 बार 0. तो 6 के बाद 9 बार 0 से शुरू होगा और 10 बार 9 पर खत्म होगा, बस इसके बीच का ही होगा. इससे क्या होगा कि कम से कम एक वैलिडेशन आया, क्योंकि तुम्हारे पास 6 9 बार 0 से छोटा नंबर मोबाइल का होगा क्या? नहीं होगा, अभी इंडिया में नहीं है. और 10 बार 9 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता है. बस तो तुम्हारा काफी हद तक वैलिडेट हो गया. तुम लोग जब वैलिडेशन बनाओगे तो यही वैलिडेशन को ध्यान रखोगे. यस सर, अभी अभी के डेट में जब तक तुम्हारा 5 सीरीज शुरू नहीं होता है तब तक एकदम सही है. 6 के बाद 6 के बाद 9 0 और 9 के बाद, हां 9 के बाद 9 9 9. थैंक यू सर. ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ऐड स्टूडेंट का यहां पे पॉपअप जैसा कि सर ने बताया था पीछे में छूट गया था, यहां पे ऐड ऐड है. ओके करेंगे एंड देन वापस आ जाएंगे बैक बटन पे, बैक हमारे डैशबोर्ड पे. उसके बाद ऐड टीचर का भी जैसा कि सर ने बोला कि अगर टीचर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पे ऐड टीचर का भी एक सेक्शन है. हम लोग फैकल्टी का नेम और उनका जो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे तो वो जनरेट होगा. अभी तो पासवर्ड है, इन फ्यूचर क्या होगा, फैकल्टी के मोबाइल नंबर के थ्रू उनके फोन पे ओटीपी जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक वो जनरेट होगा उनका पासवर्ड. सो यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो ये ऐड टीचर का सक्सेसफुली दिखाएगा पॉपअप एंड देन वापस यहाँ पे हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा. उसके बाद ऐड सब्जेक्ट न्यूज इवेंट का भी है ऐड करने का. तो कोई भी अगर सब्जेक्ट किसी कोर्स के किसी जैसे डालो अगर न्यूज इवेंट में कि कल छुट्टी है. हाँ, नोटिफिकेशन ये न्यूज इवेंट है. ठीक है, अगर कोई न्यूज हो रहा है, कोई जैसे इवेंट आज ऑर्गेनाइज हुआ तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट होते हैं सीमेज के वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे जो भी अपडेट होते हैं उन सभी की तरह ये इवेंट है. जैसे हम जो तुम्हारे सर को बताए थे कि हमको ऐप में दो चीज का विशेष जरूरत था, एक ऐप के माध्यम से बच्चों को नोटिस मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन, दूसरा अटेंडेंस. हाँ, दोनों है. ठीक है, तो ये दो चीज को हमको दिखाओ, अटेंडेंस दिखाओ और नोटिफिकेशन दिखाओ. नोटिफिकेशन सेक्शन ऐड करने का जैसे कल हम इन लोग सबका छुट्टी कर रहे हैं. खुश मत हो. हाँ, ये कर सकते. तो यहाँ पे ऐड नोटिफिकेशन, ऐड नोटिफिकेशन का यहाँ पे है जहाँ से आपने बोला कि ऐड करना है नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे यूजर आईडी अभी तो ऐसे है, ऐसे मतलब जो भी एडमिन लॉगिन करेगा या फिर जो भी फैकल्टी लॉगिन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट यहाँ से फेच कर लेगा. और सिर्फ नोटिफिकेशन टाइटल, नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन का टाइप क्या है, नोटिफिकेशन का टाइप क्या है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे इवेंट है, कोई अभी से रिलेटेड है, कोई इमरजेंसी हो गया या फिर एग्जाम से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, कोई फंक्शंस है. कल एक मूवी शो होगा जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन बना सकते हो. हाँ, बनाओ बना दो सर. मूवी शो सर, यहाँ पे जब नोटिफिकेशन ड्रॉअर बार खुल रहा है तो यहीं पे हम लोग का नोटिफिकेशन आवाज नहीं होना चाहिए. सो एनीवन कैन सी द नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन है और लास्ट जो अभी हमने ऐड किया, लास्ट जो हमने अभी ऐड किया मूवी शो का. हाँ, नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो गया. क्या बात है, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये ऑलरेडी बोल दिया कि 90% से ऊपर वाले को ही होगा, हम तो 95 सोचे थे. वो एडिट करने का ही बाद में आ जाएगा ऑप्शन. हाँ, तो यहाँ पे अटेंडेंस का भी जैसा कि सर ने बोला कि अटेंडेंस के लिए, तो अटेंडेंस के लिए भी मैंने डाला कि ऐड अटेंडेंस, कोई भी अटेंडेंस बना सकता है. सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद कोई फैकल्टी या फिर एडमिन जो है यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और कोर्स के अकॉर्डिंग
उनका जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे अपने आप वो डेटाबेस से फेच कर लेगा, जैसे कि BCA के लिए और ये बेसिक मैथमेटिक्स, तो उसके जितने भी BCA में इनरोल स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है काफ़ी आसानी से यहाँ पे वो अटेंडेंस बना सकते हैं। मतलब टच करते जाएंगे मोबाइल पर? यस सर। सोचिए कितना बढ़िया हो जाएगा है? तो ये सारे स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हैं, तो एक एब्सेंट कर दो कोई भी एक। सो यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे यहाँ पे उनका टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स में, कितने प्रेजेंट हैं उस दिन और कितने एब्सेंट हैं, वो सारा शो हो जाएगा। मतलब अगर ये यूज करते हैं हम लोग हाँ और अटेंडेंस गलत होगा तो तुम लोग किसी को पकड़ना, ठीक है? अब हम लोग को मत पकड़ना। सो यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारा अटेंडेंस सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज जैसे सर ने बोला वो यहाँ पे शो हो जाएगा बहुत और वापस भी आ जाएगा। और यहाँ पे अब शो अटेंडेंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे शो अटेंडेंस पे करेंगे BCA कम्युनिकेशन इंग्लिश था ना आज किसका बनाया मैथ्स बनाया ओके मैथ्स। और यहाँ पे इसी तरह का वो उस पर भी आएगा सर वो कैलेंडर का, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे उस दिन का अटेंडेंस हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। एक को हमने एब्सेंट किया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है एब्सेंट। ओके सो बाहर आ जाए। और यहाँ पे हमारे सीमेज में शेड्यूल वाला ये तीनों सेक्शन अभी इन फ्यूचर वर्किंग होगा, लेकिन पर दिखा दो शो शेड्यूल पे जो भी शेड्यूल होगा कोर्स और उसके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे ट्यूजडे को क्या कितने कोर्सेज हैं, कितने सारी चीज़ें होंगे, मतलब क्या शेड्यूल है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ये कमिंग सून इन फ्यूचर का है। और हमारे सीमेज में बहुत सारे क्लब्स हैं, IT क्लब्स, डिजिटल क्लब, तो ये सारी उनकी डिटेल्स और सारी चीज़ें जो यहाँ पे वो शो होंगी। और ये हमारा फी वाला सेक्शन कॉलेज का, फी सारी डिटेल वो फी भी ऑनलाइन पेमेंट करवा दो। यस सर, उसी में वर्क हो रहा था, कल रात को काम कर रहे थे, फिर कितना पे सबमिट किया और उसका कितना बाकी है सब उसको दिखाई पड़ जाए। यस सर, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का ही पर्सपेक्टिव इसमें ऐड करेंगे कि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें उसकी कुछ डिटेल्स होंगे वो सारी चीजें शो कर देगा और पेमेंट। तुम इसको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ले जाओ। यस सर, वही आपसे पूछने वाले थे, ले जाओ। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे लॉग आउट का बटन पे जिससे हम लॉग आउट करके दोबारा एडमिन पेज पे आ सकते हैं। एक बार होम सेक्शन पे जाना, सॉरी क्लिक नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे हमारी बीच ये वाला नीचे कुछ सीमेज की जो खासियत है जैसे एजुकेशन उसके बारे में, उसके फील्ड में क्या क्या सीमेज ने किया है, उसका रिजल्ट सीमेज का जो रिजल्ट है कैडिस में, और यहाँ पे प्लेसमेंट जितने भी प्लेसमेंट लगे हमारे सीमेज से बहुत सारी कंपनी से वो सारी डिटेल, और यहाँ पे सीमेज से जितने भी टॉपर्स निकले हैं उन सारे के यहाँ पे इमेज का गैलरी वगैरह टाइप का शो है। और यहाँ पे नीचे जो नंबर वन डिक्लेयर हुआ है हमारा सीमेज नाउ सेक्शन में बेस्ट कॉलेज के रूप में वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे एमिनिटीज जो है जो फैसिलिटी जो हमारा सीमेज हम लोग को प्रोवाइड करता है वो सारी डिटेल यहाँ पे शो है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सौरभ दर्शन है और मैं भी एंड्रॉइड स्टूडियो में इनरोल किया था और मैंने भी अपना एक सीमेज ऐप बनाया है जो सीमेज के लिए डेडिकेटेड है। तो नीरज स्टार्ट करो। सर, ऐप स्टार्ट करने से पहले मैं ये अपील करना चाहूँगा सबसे, क्योंकि जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं ताकि डेंगू के लिए अपना सारा प्रिकॉशंस मेंटेन करें और चेकअप करें, और कभी भी कोई भी चीज़ आए तो कृपया पहले डॉक्टर से विजिट करें, अपने आप को खुद ट्रीट ना करें। दिस इज द होम स्क्रीन, स्क्रॉल करना है सर, जहाँ सबसे पहले सीमेज के बारे में डिटेल है, अप्लाई नाउ एंड फी का डिटेल, करंट इंक्वायरी जहाँ पे हम लोग पहली बार आएंगे तो इंक्वायरी करते हैं कॉलेज में आके, जो हम लोग फिजिकली इंक्वायरी करते हैं वो चीज़ ऐप के थ्रू होगा। नीचे ये सीमेज के एजुकेशन के बारे में डिटेल्स दे रहा है, कैसे एजुकेशन होते हैं, रिजल्ट एंड द प्लेसमेंट। जैसे ही लॉग इन करते हैं हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पर आ जाते हैं जहाँ हमारे पास फीचर है एड स्टूडेंट का, ऐड एडमिट का लॉग इन है, इसमें सर है ऐड सब्जेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, अटेंडेंस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट, टीचर्स अनाउंसमेंट एंड शेड्यूल। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट ऐड करते हैं, यहाँ हम लोग स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, उनका यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, किस कोर्स में वो स्टूडेंट इनरोल हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से। सेशन सर अभी सेशन पे वर्क कर रहे हैं तो उस पर वर्क हुआ नहीं अभी। सो स्टूडेंट, मेरा सो स्टूडेंट ऊपर सर, यहाँ हम लोग कोर्स अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स जो पहले से डेटाबेस में उनको फेच कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज के अनुसार स्टूडेंट्स चेंज भी हो जाएंगे। बैक हो गया, नाउ एड अटेंडेंस।
एडिटेंस में सर हम लोग यहाँ डायनेमिकली सारा डाटा डायनेमिकली फेच हो रहा है डेटाबेस से, जहाँ कोर्स और साथ में सब्जेक्ट दोनों डायनेमिकली फेच करके उसके अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स जो उस कोर्स में इनरोल्ड हैं उनका अटेंडेंस ठीक है सर, ये क्लिक करने पे एब्सेंट है तो वो प्रेजेंट हो जाते हैं सर, जब यहाँ पे आते हैं सर ये लास्ट अलर्ट है, ये इसमें एक बात अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप फिर से इस दिन पे अटेंडेंस दोबारा मार्क नहीं कर सकते, और किसी सब्जेक्ट में अगर किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस एक बार मार्क हो जाए तो उसे दोबारा रिट्राइव नहीं किया जा सकता है, जिससे क्या कहते हैं डेटा प्राइवेसी और कोई बाद में आके डेटा अपडेट ना करे इसका भी ध्यान दिया गया सर यहाँ। क्या बात, फिर से ऐड अटेंडेंस, सेम कोर्स सेम ऐड अटेंडेंस, फिर सबमिट करो जावा में किया था ना, डेट ऑटोमेटिकली ले रहा है, यस सर डेट ऑटोमेटिकली ले रहा है, जब भी आप क्रिएट करें तो डेट और टाइम सबमिट करो ना, कोई भी एक का सेम सब्जेक्ट सर मैसेज आ जा रहा है कि फेल्ड है और ऑलरेडी सबमिटेड है उस दिन का अटेंडेंस, तो वापस नहीं आ सकता अटेंडेंस में जाओ। अच्छा बच्चा लोग को अगर लॉगिन आईडी मिल जाएगा तो वो मान लेगा अटेंडेंस हो तो? सर उसमें भी दो वे है, इज एडमिन और नॉट, अगर जब अकाउंट हम बना रहे हैं तो एडमिन जो है वो टीचर्स और एडमिन सेक्शन अलग ऐड हो रहा है, जिससे स्टूडेंट को सिर्फ व्यू का ऑप्शन मिलेगा इन फ्यूचर, अभी तो सर स्टूडेंट को कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा तो वहाँ एक कंडीशन होगा इज एडमिन और नॉट, जो एडमिन डिसाइड करेगा उसका अकाउंट बनाने के टाइम, अगर वो एडमिन नहीं होगा तो उसे सिर्फ व्यू करने का ऑप्शन होगा, लेकिन उसको अपना अटेंडेंस दिख जाएगा कि मेरा कितना है, उसको अपना अटेंडेंस दिख जाएगा। सर अगर जैसे हमारा डेटाबेस में उस दिन अटेंडेंस नहीं बना है या डेट दूसरा है तो सबमिट करो सर, तो रिपोर्ट आ जाएगा कि अटेंडेंस नॉट रिकॉर्डेड फॉर उस दिन के लिए, लेकिन अगर उस दिन सेम डेट अगर किसी सब्जेक्ट का बना है, आज का डेट दो BCA C++ जिसका अटेंडेंस बनाया गया था सर, यहाँ देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट जो प्रेजेंट थे उनका प्रेजेंट स्टेटस और जो एबसेंट थे उनका एबसेंट स्टेटस दिखा रहा है, अटेंडेंस का डायनेमिकली डेटा है, और ये सारा इसको PDF और एक्सेल डाउनलोड जो होता है CSV CSV फाइल वो भी चाहिए होगा, तभी जाकर के दूसरे जगह पर इसको इंटीग्रेट करना इजी होगा, इसका बन जाएगा PDF डाउनलोड या CSV। यस सर, तो उसे डेटाबेस से फेच करके उसको कन्वर्ट करना होगा PDF। सर एक अनाउंसमेंट का और सर एक न्यूज़ गैलरी है सर, वो दिखा दो न्यूज़ रेडी करो लॉग आउट करके सर, यहाँ न्यूज़ को एज अ सीमेज न्यूज़पेपर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें सारे पिक्चर्स जो हैं सर वो डायनेमिकली फेच किया जा रहा है डेटाबेस से और ऑटो स्क्रॉलेबल है, और ये सर जैसे सीमेज का मैगजीन पहले आता था उसी तरह सर ये है कि एक डिजिटल वेब फॉर्म में उसका एज अ न्यूज़पेपर किया जाए, जिसमें सारा इवेंट और प्लेसमेंट्स नीचे प्लेसमेंट्स के डिटेल्स सर ऑनलाइन डायरेक्ट वेब पे हो, एक तरीके से सीमेज का एक ऑनलाइन वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर। क्या बात है, बोल रहे अब भविष्य का अखबार ऐसा ही होगा जिसमें फोटो चेंज होता रहेगा, समझ लो ना। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त, नीरज झा और सौरभ दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शिवम वर्मा BCA के लिए फोर्थ सेम, एंड मैंने भी एक सीमेज का छोटा सा ऐप बनाया, और ये मेरा फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है, मैं बिहार द बिहार चैप्टर में काम कर रहा हूँ, जिसमें एक कंप्लीट बिहार का व्यू होगा, जैसे बिहार में जितने विजिटिंग प्लेसेस हैं, जितने फूड आइटम्स जो फेमस हैं, और जो बिहार के हिडन जेम्स हैं उनको उसमें जाना जाएगा। सडन किसी रीज़न समहाउ मेरा ड्राइवर और ऐप दोनों क्रैश कर गया, सुबह से मैं परेशान हूँ, मुरली सर से भी मिला, सनी सर से भी, तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसे ही प्रेजेंट करता हूँ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट ये एडमिन सेक्शन होगा जहाँ से हम एज एडमिन एंटर करेंगे अपने एप्लीकेशन में, जहाँ एडमिन का नाम और पासवर्ड दिया जाएगा और हम लोग लॉगिन कर जाएंगे अपने एप्लीकेशन में। ये हमारा डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड को मैं कार्ड व्यू में भी प्रेजेंट कर सकता हूँ और एज अ बटन भी व्यू ले सकता हूँ। हम अपने डैशबोर्ड को जैसा डेकोरेट करना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मुझे करना था तो मैंने फास्ट ऑफ ऑल इसे एज अ बटन व्यू ही रखा है, और मैं चाहूँगा कि अटेंडेंस रिपोर्ट मैक अटेंडेंस कोई भी एक्सेसर कहीं भी चेक कर लें, जैसे अटेंडेंस रिपोर्ट पे ही आते हैं। तो BCA कोर्स और जावा है, और अगर हम यहाँ पे डेट फिल करते हैं तो हमें उस डेट का अटेंडेंस रिपोर्ट मिल जाएगा, लाइक दस 23rd सेम 23rd ओके सर, और सबमिट करेंगे इस डेट में।
तो हम देखेंगे कि आज के डेट में इतने बच्चे प्रेजेंट और इतने बच्चे एब्सेंट हैं। हम ये रन टाइम डेटाबेस से ही फेच हो रहा है जैसे हो रहा था। अब हम देखेंगे कि अटेंडेंस मार्क भी कर सकते हैं इसमें, मेक अटेंडेंस के सेक्शन में बी सी ए, यहाँ पे पाइथन, पी एच पी पाइथन कोई जावा, देन टोटल स्टूडेंट लेवल, प्रेजेंट स्टूडेंट 3 एंड एब्सेंट स्टूडेंट 8। नाउ अब हम सबमिट करेंगे ये ऑथेंटिकेशन लिंक, ऑलरेडी सबमिटेड। अभी हमने देखा कि 23rd के डेट में एक हमारा एप्लीकेशन डेटाबेस में फेच हो चुका है। हम लोग सर्वर यूज कर रहे हैं, सिंगल सर्वर, दैट्स व्हाई ये ऑथेंटिकेशन फेल्ड बता रहा है। अगर हम लोग रन टाइम डेट चेंज करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। बैक करके पीएचपी में अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। अब बीबीए कोर्स और एचआर मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा, यहां अटेंडेंस मार्क करते हैं। दिस इज द सक्सेसफुल अटेंडेंस। A short time period and बहुत ही कम समय में मैंने ये डेवलप किया। और रन टाइम में सर मेरा फाइनल प्रोजेक्ट जो है द बिहार चैप्टर, मैं बहुत जल्दी वो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करूंगा और उसका व्यू और वीडियोस मैं अपलोड जरूर करूंगा। एकदम तबियत से बनाओ। यस सर। तुम्हारा ऐप जो होगा उसको हम टूरिज्म मिनिस्टर और सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट को भिजवाएंगे या उनको बुला कर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ऑल जूनियर्स एक बार अपने सीनियर्स के ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। माना पैटर्न, सबका पैटर्न तो एक सही लग रहा है। सर अभी ये एडमिन पैनल हो गया। बहुत बढ़िया एडमिन पैनल बनाई ये भी, लेकिन सब वही सब फीचर्स हैं जो है ना। हाँ, ठीक, गुड। ठीक बहुत बढ़िया। देखो ये किस तरह से बनाई है ऐप, इसका ऐप दिखाओ। इसमें ऐड स्टूडेंट, ऐड अटेंडेंस, अटेंडेंस रिपोर्ट, ऐड सब्जेक्ट, ऐड टीचर, व्यू स्टूडेंट्स, सारा चीज़ का फैसिलिटी इसने दिया है। फुल्ली डायनेमिक ये ऐप रहेगा बच्ची का। बहुत बढ़िया ऐप, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग। देखो हमको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, है ना। इससे तुम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि जितना ये लोग कर लिए हैं इतना तो हम भी अब कल को करेंगे, ये सुनो। और ये आसान नहीं है, इस तरह का ऐप बनाना आसान काम नहीं है। इसमें थोड़ा तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जनरल सिंपल ऐप बच्चे बनाते थे कई बार, अब एक बच्चा ऐप बनाया कि हम जितना पुशअप करेंगे मोबाइल गिन लेगा। तो कैसे गिनेगा? तो बोला नाक से उसका बटन छुएंगे। हाँ हाँ, अब पसीना आ जाएगा तो घबरा जाएगा। तो काउंटर ऐप था, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप बनते हैं, सिंपल सिंपल ऐप। तुम लोगों का जब ऐप का भी करवाएंगे, सेकेंड ईयर करवाते हैं, तुम लोग का सेकेंड ईयर में जावा अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? बिना जावा के तुम लोगों का वहाँ ठीक नहीं रहेगा ना, अभी नहीं, जावा होने के बाद। हाँ, बिना जावा के दिक्कत होगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।